लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें 10 सूत्रीय मांगों को शामिल किया है। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष तिलक सिंह राजपूत के नेतृत्व में पहुँचे। यहाँ किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन 10 सूत्रीय मांगों का था, जिसमें किसान कथन 1868, 1888 मक्का, 1850 बाजरा, 2150 सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम पर मंडियों में न खरीदा जाए, जिन जनपदों में किसानों के गन्ना का बकाया रुपए का ब्याज अति शीघ्र भुगतान किया जाए, गन्ना का मूल्य बढ़ाया जाए, डीजल खाद व कीटनाशक की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जाए, किसानों को सिंचाई के लिए 18 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए, किसानों को सिंचाई हेतु फ्री बिजली दी जाए, किसानों को निजी नलकूपों के कनेक्शन पर छूट दी जाए, विगत वर्षों की भांति किसानों को मुफ्त किस्त जमा योजना ब्याज माफ करते हुए लागू की जाए, किसान दिवस में उन्हें संचालित किया जाए, किसानों के उत्पादन सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर ही खरीद गारंटी कानून व्यवस्था बनाई जाए। इन सभी मांगों को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही अपनी मांगों को पूरा कराए जाने की मांग भी की है। आज जो किसानों के साथ ज्यादती कर रही है सरकार, उसके खिलाफ किसानों का करोड़ों रुपया सरकार पे बाकी है, और अगर किसान पर 1000 रुपया भी किसान पर बाकी है सरकार का, तो आज बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया है, जबकि 14 दिन का वादा था कि भुगतान किया जाएगा, बरसों तक भुगतान नहीं हो रहा है। लगातार खाद के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, धान की मिट्टी खराब है, जो सरकार ने घोषित मूल्य किया उसके उस मूल्य पर भी किसानों का धान नहीं बिक रहा है। आज किसान बहुत दुखी है और इस दुखी के दुख के कारण सड़कों पर आ गया है किसान। आज ये मुख्यालय इसीलिए घेरे कि किसान की दुर्दशा हो रही है, सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई है, किसानों की कोई बात नहीं सुन रही है, और अगर ऐसा रहा तो ये सरकार भी नहीं रहेगी और किसान सड़कों पर आकर अपना आंदोलन करेगा, और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं होगा या हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो जब तक कोई निर्णय नहीं लेता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। रात दिन का